जी जनाब, वेलकम बैक। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ लें। ओके फाइन जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम चलते हैं अपने कोड विंडो की तरफ। यहाँ एक छोटा सा कंसेप्ट आपको हम बता दें। देखिए, यहाँ पे हमने एक इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक के अंदर हमने दो फंक्शन डिफाइन किया, दो ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन रस्ट हमें ये प्रोविजन भी देता है कि जनाब आप चाहें तो एक ही स्ट्रक्चर पे आप मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक बना लें। अब देखिए, हमारे पास ये दो ब्लॉक हो गए, इम्प्लीमेंटेशन स्टूडेंट और इसके अंदर एवरेज मार्क डिफाइन हुआ, वैसी तरह इम्प्लीमेंटेशन वही स्टूडेंट और आगे इसके अंदर हायर वाला फंक्शन डिफाइन हुआ है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, बल्कि ये आगे जाके जब मजीद लेटेस्ट एडवांस टॉपिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको फायदा दे सकती है कि आपने कुछ इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक्स के अंदर कुछ फंक्शन डिफाइन किए हैं उसी स्ट्रक्चर के, जिसके लिए आपने एक से ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन वाले ब्लॉक बनाए हुए हैं और उनमें रेलिवेंट फंक्शंस या मेथड्स डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम एक बार कंपाइल करके देखते हैं। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, ने किया कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक को दो इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया। और ये कंसेप्ट आपको देने का मकसद ये था कि आपको पता चल जाए कि जनाब आप एक ही स्ट्रक्चर के ऊपर मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक बना कर कोडिंग वोडिंग कर सकते हैं, मेथड डिफाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अभी हमने देखे थे मेथड जो कि बिल्कुल फंक्शन होते हैं, सिर्फ फर्क ये होता है कि उनके अंदर पैरामीटर हमेशा सेल्फ होते हैं और वो अपने इंस्टांस को ही पॉइंट आउट कर रहा होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड पे और देखते हैं कि इससे आगे क्या है। देखिए, वही चीजें जो हमने डिस्कस की थी कि देखिए इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक आ गया कि आप एक से ज्यादा एक स्ट्रक्चर के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक डिफाइन कर सकते हैं और उसके अंदर डिफरेंट तरह के फंक्शन यूज कर सकते हैं, इससे आपके प्रोग्राम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब आज के सेशन का आखिरी टॉपिक है, वो शायद हमारे चैप्टर का भी, और वो है एसोसिएटेड फंक्शंस। ये क्या भला है एसोसिएटेड फंक्शंस? तो जनाब एसोसिएटेड फंक्शन जो है इनमें और मेथड में सिर्फ एक फर्क है, बल्कि दो फर्क है। पहला फर्क ये है कि जो एसोसिएटेड फंक्शंस होते हैं ना, ये वो फंक्शन होते हैं जो कि डिफाइन तो उसी इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक में होते हैं जहाँ पे भी आपने देखा होगा अभी हमने मेथड डिफाइन किए थे। फर्क एसोसिएट फंक्शन और मेथड में ये है, पहला कि ये जो एसोसिएट फंक्शन होते हैं ये सेल्फ को एज ए पैरामीटर नहीं लेते, अब ये एसोसिएट तो होती है स्ट्रक्चर के साथ क्योंकि डिफाइन उसी स्ट्रक्चर के इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक में हो रहे होते हैं, मगर ये उसको एज अ सेल्फ रेफरेंस नहीं दे रहे होते। ठीक है, और इसकी डिफरेंट तरह यूटिलाइजेशन हो सकती है, जैसा कि अगर आपने ये कंस्ट्रक्टर कॉल करना हो, यानी कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट कराना हो विद यूजिंग डिफॉल्ट वैल्यूज, डिफॉल्ट वैल्यूज के हवाले से अगर आप इंस्टेंशिएट करवाना चाह रहे हैं तो ज़ाहिर है उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू तो कुछ भी नहीं होगी फिर। तो इस हवाले से अगर हम वहाँ पे सेल्फ यूज करने की कोशिश करें तो वो तो काम नहीं करेगा। तो इस तरह से इन्होंने मतलब इस चीज़ को बनाया कि जनाब आपका ऐसा एसोसिएटेड फंक्शन हो जिसके थ्रू आप सेल्फ को कॉल किए बगैर आप उसमें और पैरामीटर पास करें और उसके अंदर कोई और कोड वगैरह रन करवाएं। ठीक है, तो हम इसकी पहले अपनी एग्जांपल करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे सोचने दें कि आपके लिए प्यारी सी एग्जांपल क्या हो। वापस चलते हैं अपने कोड विंडो की तरफ। तो देखिए, ये था हमारा दो में से एक इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक,
हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रख देते हैं इनिट, और हम कहते हैं कि ये दो तरह के पैरामीटर्स लेगा, एक तो लेगा इनिट नेम, इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, और दूसरा लेगा इनिट रोल नंबर, इसकी टाइप होगी 16। हम करना ये चाह रहे हैं कि जनाब हम और हमें स्टूडेंट इनरोल होता है, जैसे हम लोग हैं, हम इनरोल हुए तो हमारा क्विज एनरोल होने के 1.5 महीने के बाद अगर हुआ, और क्विज टू तो उसके भी महीने के बाद अगर हुआ, तो आप देखिए कि जब भी स्टूडेंट ज्वाइन करता है तो अगर उसका नाम और रोल नंबर तो उसको मिल जाएंगे, जाहिर नाम उसका पहले से ही चल रहा है, वही रजिस्टर होगा, रोल नंबर उसको साइन कर दिया जाएगा, लेकिन जो क्विज वन और क्विज टू के मार्क्स हैं वो भी नहीं आए। वो इसलिए नहीं आए कि अभी तो वो एग्जाम ही नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या हम वेट करें कि जब एग्जाम हो उसके बाद ही हम स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाएं? तो ऐसा तो नहीं है ना फायदा। तो अब हमने एक फंक्शन बनाने का सोच रहे हैं जिसका नाम हमने रखते हैं इनिट, की इनिशियलाइज कर देंगे, और उसको हम दो वैल्यूज दें, एक तो रोल नंबर की, इनिशियल रोल नंबर, और दूसरी दे दें इनिशियल नेम की, और उसको अपने पास स्टोर करवा लें कि यार ये जो बेसिकली रोल नंबर और नेम है या जो भी इंस्टांस है जो हमने बनाया है वो उसमें नाम और नंबर को दे दिया, तो अगली बार उसको हम बना दें म्यूटेबल, और जब अगली बार मतलब तो कुछ ऐसा हो जाएगा तो क्विज वन हो और उसके जब रिजल्ट आए तो वो मार्क्स स्ट्रक्चर में ऐड कर दिए जाए। ठीक है, ये एक हमारे जहन में छोटा सा खाका है, और उस खाके के हवाले से हम एक इनिशियलाइजेशन का पैरामीटर बना रहे हैं। इसमें क्या कहते हैं कि जनाब ये इनिट तो करें और साथ ही साथ ही रिटर्न करें एक स्टूडेंट टाइप का स्ट्रक्चर, और यहां पे हम कहते हैं लेट माई स्ट्रक्ट, वेरिएबल का नाम आ गया, इज इक्वल टू स्टूडेंट, और इसके अंदर हम दे देते हैं रोल नंबर, रोल नंबर नेम कॉलन नेम, और क्विज वन कॉलन 0, जरूरी इसलिए कि अभी तक उसके मार्क्स आ ही नहीं, क्विज टू की तरह से 0, अभी तक ये काम हुआ ही नहीं, यानी कि ये अभी तक ये जो बेसिकली क्विज है वो इस इंस्टांस के लिए खरीद नहीं हुआ। ठीक है, लाइक अगली डेट में फ्यूचर होने में, तो इसलिए हमने उसकी वैल्यू 0 लगा दी थी, जब अगर हो जाएगा तो फिर हम देखेंगे जो एक्चुअल उसके मार्क्स ऑब्टेन होंगे वो लगा देंगे। और हम करते हैं रिटर्न माय स्ट्रक्ट, छोटा सा हमने ये एक इनिशियलाइजेशन के नाम से फंक्शन लिख दिया, लेकिन उसमें गौर करें कि इसके अंदर कहीं पे भी जो तो सेल्फ वेल्फ वाला काम है, जो मेथड की रिक्वायरमेंट होती है बेसिक, वो नहीं आ रहा। एक सिंपल सा एसोसिएटेड टू दिस स्ट्रक्चर फंक्शन है जो कि दो कोई सी वैल्यू लेता है और उसके अगेंस्ट इनके रोल नंबर और स्टूडेंट वो कॉल जहाँ से आ रही है वहाँ से इसको मिल जाता है, और ये उसके साथ क्विज वन के आगे 0 और क्विज टू के आगे 0 लगा के स्टूडेंट का स्ट्रक्चर रिटर्न करवाता है। ठीक है, उसको देखते हैं हम मेन से कैसे कॉल करवा सकते हैं। तो हम कहते हैं लेट एस टी फोर
इज इक्वल टू इनिट, और यहाँ पे हम कहते हैं जनाब स्ट्रिंग फ्रॉम सॉरी। अच्छा अभी हमने एसोसिएटेड फंक्शन कॉल करवा रहे हैं, ये हमने एक एसोसिएटेड फंक्शन बना लिया ना, इसका सेल्फ नहीं आ रहा था और देन उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको कॉल करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे लेट ST3 इज इक्वल टू, ये हमारा जो मेन स्ट्रक्चर था उसका नाम था स्टूडेंट, उससे आगे डबल कोट्स लगाएंगे, डबल कॉलर लगाएंगे, और देन उस एसोसिएटेड फंक्शन का नाम देंगे, और साथ ही उसके अंदर अगर हमने को वैल्यू देनी है तो वो दे देंगे, लाइक हम दे देंगे अली डॉट टू स्ट्रिंग, और दूसरी वैल्यू हमने क्या प्रोवाइड करनी होती है स्लैश नेट के फंक्शन को, सॉरी पहली वैल्यू है रोल नंबर और दूसरी है नेम, तो यहाँ हम इसको प्रोवाइड कर देंगे 8080 चला जाएगा रोल नंबर में और अली चला जाएगा इसके नेम में, और जब ये कॉल होगा इन दोनों वैल्यूज के साथ तो होगा ये कि ये फंक्शन 8080 ले लेगा उसको इनिट रोल नंबर में ले आएगा, अली ले लेगा उसको इनिट नेम में ले आएगा, उसको एक स्ट्रक्चर बनाएगा माई स्ट्रक्चर के नाम से, उस स्ट्रक्चर के अंदर जिसके टाइप स्टूडेंट स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर रोल नंबर के अंदर ये इनिट का रोल नंबर की वैल्यू डाल देगा, जो हमें प्रोवाइड की गई एज ए पैरामीटर नेम के अंदर इनिट नेम की वैल्यू डाल देगा, जो हमें प्रोवाइड की गई है एज ए पैरामीटर क्विज वन के अंदर जीरो डाल देगा, क्विज टू के अंदर जीरो डाल देगा, वो एक स्ट्रक्चर बना देगा माई स्ट्रक्चर के नाम से, वो स्ट्रक्चर विद ऑनरशिप रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न होने के बाद जहाँ से कॉल गई है यहाँ पे ये ST4 नाम का एक इंस्टांस बनाएगा स्टूडेंट का और उसके अंदर इसको सेव कर देगा, और अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट 4 को डिस्प्ले करवा के देखें लेट से क्या असर पड़ता है हमारे प्रोग्राम के, चलते हैं अपनी कमांड लाइन विंडो की तरफ, चलो को रन करते हैं, ये देखें ये यहाँ पे चौथा जो स्टूडेंट का इंस्टांस है वो हमने इनिशियलाइज करवाया था इनिट एसोसिएटेड फंक्शन के थ्रू, और फिर उसको डिस्प्ले करवा के देखा तो देखें ये यहाँ पे क्रिएट होने के बाद सक्सेसफुली डिस्प्ले हो गया, इसके अंदर स्टूडेंट का नाम आ रहा है अली, रोल नंबर आ रहा है 8080, क्विज वन के मार्क्स आ रहे हैं जीरो क्योंकि वो इनिशियलाइजेशन पैरामीटर ऑलरेडी जीरो सेट कर दिया, और इसी तरह से क्विज टू के भी जीरो, ठीक है। तो जनाब इस तरह से हम एसोसिएटेड फंक्शन को यूज करते हुए हम विदाउट डिफाइनिंग सेल्फ कुछ फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रक्चर के इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक के अंदर, और वहां उसके ऊपर कोई खास मेथड या कोई खास चीज परफॉर्म कर सकते हैं इसमें, और मेथड में फर्क ये होगा कि मेथड का हमेशा जो पहला पैरामीटर है वो सेल्फ होगा, वो अपने आप को पॉइंट आउट कर रहा होगा, लाजमी है उसके लिए
जबकि फंक्शन जो एसोसिएटेड फंक्शन है इसका कोई जिम्मेदारी नहीं है सिवाय इसके कि आप इसको डिफाइन जो करें वो आप स्ट्रक्चर के आईएमपीएल और स्ट्रक्ट नेम के ब्लॉक के अंदर कर रहे हो। ठीक हो गया, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। इन द मीन टाइम चलते हैं अपनी स्लाइड फिर वापस। तो यहाँ पे भी कह रहा है कि अनदर यूजफुल फीचर फंक्शन ऑफ यूजफुल फीचर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक इज दैट वी आर अलाउड टू डिफाइन फंक्शंस विद इन इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक दैट डोंट टेक सेल्फ एज ए पैरामीटर। नंबर वन कि अपने आप को ये सेल्फ एज ए पैरामीटर नहीं लेते। नंबर टू दे आर कॉल्ड एसोसिएटेड फंक्शंस बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्ट। अब जाहिर है ये चूंकि मैंने आपको बताया कि जो आई एम पी एल है या आई एम पी एल बी ब्लॉक हर स्ट्रक्चर के हवाले से बनेगा, तो उस हवाले से वो कह रहे हैं बिना भी प्राइवेसी कंसर्न की वजह से दूसरी बात है कि मतलब जो आप जो एसोसिएटेड फंक्शन कॉल कर रहे हैं ये स्ट्रक्ट के थ्रू ही कॉल करके उसके साथ रेफरेंस में कॉल होंगे। ठीक है, और इसमें ये भी ख्याल आपने रखना है कि जिस तरह मेथड होता है ना तो उसमें इंस्टांस अवेलेबल होता है, इसके अंदर इंस्टांस अवेलेबल नहीं होता। अगर आप जरा इस कोड पर गौर करें, मैंने कोड को कॉल करवाया तो उसमें किसी इंस्टांस का नाम नहीं लिया मैंने। मैंने देखिए यहाँ पे उसका जो मेन स्ट्रक्चर था जिस नाम से स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ हुआ था मैंने उसके लिए उसको कॉल करवाया। यहाँ देखिए स्टूडेंट कॉलन इनिट, तो ये स्टूडेंट जो है एक्चुअली ये उस स्ट्रक्चर का नाम है, क्योंकि इससे पहले हम हमेशा एस टी टू डॉट नेम डॉट क्लोन या इस तरह के मामले आते थे। देखिए यहाँ पे हमने कही एस टी वन डॉट हायर, ठीक है, इसी तरह से एस टी टू डॉट एवरेज मार्क्स। तो यहाँ पे पहले हम इंस्टांस के थ्रू इसको कॉल करवाते थे, जबकि एसोसिएटेड फंक्शन में क्या खास बात होती है, ये आपके विद रेफरेंस टू द स्ट्रक्चर डेफिनेशन कॉल होते हैं, ये आपके स्ट्रक्चर की डेफिनेशन के साथ एसोसिएट होती हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक के साथ मतलब लिंक्ड होते हैं। ठीक है, तो ये थी जी हमारी एग्जांपल जिसके अंदर हमने एक एसोसिएटेड फंक्शन बनाया और उसको डिस्प्ले भी करवाया, और देखते हैं कि बुक ने कोई एग्जांपल दी है। जी बिल्कुल दी है, ये कहते हैं कि जनाब आपने रेक्टेंगल बनाना हो तो आपको दो वैल्यू चाहिए होती है, विड्थ की और हाइट की। लेकिन आपको पता है कि स्क्वायर के अंदर विड्थ और हाइट दोनों की साइज बराबर होती है, तो उनके पिछले में एसोसिएटेड फंक्शन बनाते हैं। इसको क्या किया जाए कि जिसको एक वैल्यू पास की जाए और वो क्या करे, वो एक स्क्वायर बना रहे, स्क्वायर से मतलब क्या है कि जिसकी विड्थ और हाइट बराबर हो, तो जाहिर है उसके लिए आप दो वैल्यू सप्लाई करने की जरूरत नहीं। आप एक ही इसकी वैल्यू सप्लाई करें तो विड्थ और हाइट दोनों की वही सेम वैल्यू सेट हो जाएगी। उस एग्जाम्पल को या उस रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए उन्होंने एक इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से एक एसोसिएटेड फंक्शन डिफाइन किया। ठीक है, और वो भी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा तो मेरे ख्याल स्लाइड में उन्होंने ऐड नहीं किया हुआ, मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ। तो ये देखें जी, ये वो फंक्शन है, मैंने मतलब साइज बड़ा कर, चला तो ये देखिए जो ये क्या कर रहा है, ये इम्प्लीमेंट कर रहा है रेक्टेंगल, तो वही रेक्टेंगल का इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक है जिसके अंदर एक एसोसिएटेड फंक्शन कॉल हो रहा है एफ एन स्क्वेयर, स्क्वेयर नाम का, क्योंकि एक ही पैरामीटर ले रहा है जिसका नाम है साइज, उसकी वैल्यू है U32, रिटर्न कर रहा है रेक्टेंगल का इंस्टांस। उसमें हो क्या रहा है कि एक रेक्टेंगल बनाई जा रही है जिसकी विड्थ के अंदर भी साइज की वैल्यू आ रही है और हाइट के अंदर भी साइज की वैल्यू आ रही है जो साइज हमने उसको प्रोवाइड किया था। तो ये एक सेम विड्थ और सेम हाइट वाली एक रेक्टेंगल का इंस्टांस बना रहा है, ठीक है, जो कि डायरेक्ट स्क्वेयर हो गया, क्योंकि स्क्वेयर में दोनों चीज़ें बराबर होती हैं, हाइट भी और विड्थ भी, और ये उस स्ट्रक्चर के टाइप को रिटर्न करवा रहा है। और इसको हमें एक्सेस करना होगा, हम एक्सेस करेंगे, हम एक फॉर एग्जांपल नया बना रहे हैं स्क्वायर नाम का इंस्टेंस, हम कहेंगे लेट एसक्यू इज इक्वल टू रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आ गया आपके मेन स्ट्रक्चर का नाम, डबल कॉलम
आगे उसके एसोसिएटेड फंक्शन का नाम और बीच में उस एसोसिएटेड फंक्शन को प्रोवाइड की जाने वाली पैरामीटर के तौर पे वैल्यू। ठीक है, तो ये वाली जो बेसिकली कोड की लाइन है जो आपके मेन कोड में होगी, क्या करेगी कि ये एक स्क्वेयर नाम का इंस्टांस बनाएगी रेक्टेंगल का, जिसकी हाइट और विड्थ दोनों की वैल्यू क्या होगी, 3 थी। ठीक है, तो ये होते हैं जी एसोसिएटेड फंक्शन। ठीक है, बहुत आसान से है, इसकी हमने एक लाइव एग्जांपल भी देख ली। चलते हैं एग्जांपल के ऊपर। तो जनाब ये देखें, यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ, देन स्ट्रक्चर की इम्प्लीमेंटेशन, जिसके अंदर हमारा एवरेज मार्क्स और इनिट वाला वो एसोसिएटेड फंक्शन आ गया। इसी तरह से हमारा हमने भी देख लिया कि हम एक से ज़्यादा एक स्ट्रक्चर के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके हम रिक्वायरमेंट ऐसे ले सकते हैं, हम क्या करते हैं कि एक इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक के अंदर हम कर देते हैं सारे अपने जो मेथड्स हैं। ठीक है, और दूसरे इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक में ले जाते हैं हमारी सारी एसोसिएटेड फंक्शंस। तो ये देखिए, ऊपर वाला जो ब्लॉक था इसके अंदर जो दो मेथड थी, वे मेथड है, और नीचे वाला जो इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक है उसी स्ट्रक्चर का स्टूडेंट का, उसके अंदर एसोसिएटेड फंक्शंस दिए हैं। ठीक है, उसको हमने देख लिया कि एसोसिएटेड फंक्शन को कॉल कैसे करवाते हैं। तो यहाँ तक तो कोई सवाल है तो आप प्लीज़ पूछ लें, वरना मैं भी शदीद थक गया हूँ, 11:30 हो चुके हैं, तो तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा क्लास हो चुकी है। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें, वरना फिर आप सबसे इजाज़त लीजिए जी। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सेशन को ज्वाइन करने का। अपना ख्याल रखिएगा और खूब मेहनत से पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, यहाँ मैं एक अनाउंस करता चलूँ, यहाँ हमारा जो सेशन है ये अख्ताम पजीर हो गया। ठीक है, आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।